की वजह से राज्य में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। कोरोना संक्रमण का दूसरा स्ट्रेन अब और भी घातक होता जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से रोजगार में कमी आने से मजदूर अपने गांव लौटने पर मजबूर हो गए हैं। सरकारी तथा प्राइवेट बसों पर रोक आने से मजदूरों के पास अब सिर्फ ट्रेन का ही सहारा बचा है, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन पर ही मजदूरों की भीड़ जमा हो रही है। मजदूर अपने सभी सामान लेकर लौट रहे हैं। लॉकडाउन की बढ़ती तारीख ने मजदूरों का सब्र तोड़ दिया है। लॉकडाउन लगातार बढ़ते ही जा रहा है, संक्रमण के साथ मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में कारखाने और कंपनियां कब खुलेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं। ऐसे में अगर यहां पर बैठे रहे तो या तो कोरोना से मौत हो जाएगी या भूख से, इसलिए जाना ही एकमात्र रास्ता है। राज्य में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा के बाद देर रात तक मजदूरों और अन्य प्रवासियों के जाने का सिलसिला तेज हो गया। जिसको जो साधन मिला वो उसमें सवार होकर निकल गया। प्राइवेट बसों में भी भीड़ नजर आई, फिर इन बसों पर भी पाबंदी आ गई। इसलिए अब रेलवे स्टेशन पर बढ़ रही मजदूरों की संख्या आने वाले दिनों में और भी चिंताजनक हो सकती है। जिस तरह राज्यों में लॉकडाउन लग रहा है उससे मजदूर किसी भी हाल में घर लौट रहे हैं। ऐसे में प्लेटफॉर्म और ट्रेन के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सही तरीके से हो इसे सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि मजदूरों के स्वास्थ्य पर कोई असर न पड़े। रेलवे स्टेशन के बाहर जिस तरह मजदूर ग्रुप बनाकर खड़े हैं उसे रोकने वाला भी कोई नहीं है। ऐसे में ये मजदूर अपने गाँव जाकर भी संक्रमण फैला सकते हैं।